दोस्तों कहते हैं कि मन बहुत ही चंचल होता है और यदि यह नियंत्रण में न हो तो व्यक्ति को अशांति का अनुभव होने लगता है यह अशांति मन में उठने वाले सैकड़ों सवालों से उत्पन्न होती है और तब तक बनी रहती है जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते इसलिए मन को शांत रखना बेहद जरूरी है लेकिन सवाल यह है कि हम अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं गौतम बुद्ध के अनुसार मन को शांत करने के लिए पहले मन को समझना जरूरी है इस समझ से जुड़ी हुई है गौतम बुद्ध की एक कहानी पहला चरण एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रण में रखने का पहला चरण क्या है बुद्ध ने कहा मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना और समझना जब मन अशांत होता है तो यह कई तरह के लालच देता है और जिसने इन लालचों को पहचान लिया उसने मन को समझने का पहला चरण पार कर लिया फिर व्यक्ति ने पूछा कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है बुद्ध ने जवाब दिया अनुभव से मनुष्य मन के लालच से जो भी काम अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है जैसे जिसने देख लिया कि नशा करना दुख है वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा दूसरा चरण व्यक्ति ने पूछा यदि कोई पहले चरण से जान जाए कि वह मन के लालच के कारण दुखी है तो दूसरा चरण क्या है बुद्ध ने कहा खोज पर निकलना ऐसे व्यक्ति की खोज करो जिसने पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्ति पाई हो वही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है तीसरा चरण व्यक्ति ने पूछा ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी बुद्ध ने कहा यही तीसरा चरण है सुनना किसी व्यक्ति के शब्द से ही पता चल सकता है कि वह मन के भीतर क्या है लेकिन किसी की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए चौथा चरण बुद्ध ने कहा कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति अक्सर दो गलतियां करता है पहली गलती है शुरुआत न करना और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय न करना इन दोनों ही गलतियों के पीछे मन होता है व्यक्ति अपने कर्म को इसलिए पूरा नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि वह कल से शुरुआत करेगा या असफल हो जाएगा पांचवा चरण बुद्ध ने कहा मन को समझने का पांचवा चरण है जागरूकता हर कार्य को जागरूकता के साथ करना चाहिए बिना जागरूकता के किया गया कार्य या जिया गया क्षण मृत्यु के समान है व्यक्ति ने पूछा जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है बुद्ध ने जवाब दिया ध्यान से छठा और अंतिम चरण ध्यान ही मन को जानने समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है ध्यान व नाव है जिससे मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है जिसने इन प्रारंभिक पांच चरणों से मन को जान लिया उसने अपने मन पर काबू पा लिया